एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, यहाँ बन रहा है नाश्ता वसी के लिए। उनको ब्रेड बटर और साथ में लस्सी चाहिए थी, और मुझे पीनी है चाय। चाय और ब्रेड का नाश्ता होगा मेरा। जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमें जाना है आज हॉस्पिटल। पप्पो के बेटे हैं हमारे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्हें देखने के लिए हम जाएंगे आज CMH हॉस्पिटल। और भी जो कुछ होगा, दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। देखते रहिए मेरा व्लॉग। तो जी, नाश्ता करके हम चले गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मैंने व्लॉग नहीं बनाया। हम हॉस्पिटल पहुँचे तो फिर डॉक्टर्स ने भाई के स्टिचेस वगैरह देखे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, उन्होंने भाई को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। भाई वॉ फैक्ट्री से आए थे, तो हमने कहा चलो अब भाई को घर छोड़ने चलते हैं। अचानक ही प्लान बन गया वॉ फैक्ट्री जाने का, तो हम लोग जा रहे हैं अभी भाई को छोड़ने के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, धूप निकली हुई है बहुत तेज़। वाह, फैक्ट्री जाते हुए रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सोसाइटियाँ बन गई हैं। एक ये नज़र आई थी फैसल हिल्स, बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। तो जी, यहाँ पता ही नहीं चला, बातें करते करते हम लोग वाह फैक्ट्री पहुँच गए। भाई फैक्ट्री में जॉब करते हैं, इसलिए भाई को फैक्ट्री की तरफ से ही क्वार्टर मिला हुआ है। वो उसी में ही रिहाइश है उनकी, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो जी, ये गेट नंबर 2 है, यहाँ हमने फिर इंट्री करवाई अपनी। यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है, इस तरह किसी को भी जाने नहीं देते। पूछते हैं कहाँ आए हो, किसके पास आए हो, किससे मिलना है। ये बहुत प्यारी सी मस्जिद है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरी। जी, हम पहुंच गए भाई के घर। कुछ देर यहाँ बैठे, भाभी तो रोक रही थी कि खाना खा के जाएं, लेकिन हम लोगों ने वापस आना था इस्लामाबाद, तो बस चाय वगैरह पी, यहाँ थोड़ी देर भाई और भाभी से बातें की, और फिर हम लोग निकल आए घर के लिए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक भाई को सेहत दे, वो जल्दी ठीक हो जाए, आमीन। तो जी, ये है असलम मार्केट वह फैक्ट्री में, छोटी सी मार्केट है, पर सभी कुछ मिलता है यहाँ पर। यहाँ ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, देखकर आंखों को सुकून मिल रहा था। सड़कें भी इतनी साफ़ सुथरी, अच्छा लग रहा था। सुकून लेना हो तो यहाँ आकर रह लो, मुझे तो वैसे भी सुकून बहुत पसंद है। आप लोगों में से भी क्या कोई है सुकून माहौल पसंद करने वाला, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, चलते हैं फिर इस्लामाबाद की तरफ। वैसे सुकून तो हमारे इस्लामाबाद में भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच गए थे मंडी मोड़। ये काफ़ी बड़ा बस स्टॉप है, यहाँ से दूसरे सिटी आने जाने के लिए गाड़ियाँ, बसें, वैन वगैरह मिलती है।
लोग यहीं उतरते हैं ज़्यादातर, काफ़ी रश होता है यहाँ पर। अब तो ये रोड भी काफ़ी हद तक बन गई है, लास्ट टाइम जब हम यहाँ से गुज़रे थे तो बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ था, तोड़ फोड़ मची हुई थी। अब काफ़ी हद तक काम हो गया है, बेहतर हो गई है सड़क। तो जी अब ये खैबान पहुँच गई थी मैं, तो सोचा रास्ते में अपनी बहन से मिलती चलूँ, मेरी बहन के घर खैबान में है, तो थोड़ी देर के लिए उसके घर जा रहे हैं। फिर आराम करके थोड़ी देर वहाँ हमने खाना खाया, बनोई मेरे चाट ले आए थे वो खाई, फिर उसके बाद निकल आए घर। घर पहुँचे हैं तो रात के खाने का टाइम था, और फिर समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ आकर। बस तो फिर गोश्त पड़ा था फ्रिज में, सोचा पुलाव बना लेते हैं, वही जल्दी बन जाता है। यहाँ मैं तैयारी कर रही थी यखनी पुलाव के लिए, यखनी बनने के लिए रख रही थी। आज अज़हर की छुट्टी थी तो वो भी आ गया था मिलने के लिए, एवरी वीकेंड कोई ना कोई आता है हमारे यहाँ। जी मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया है, साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई है इस पुलाव के साथ, और शामी कबाब रखे हैं फ्रीज़र में, वो निकाल के फ्राई कर लेती हूँ साथ, तो हमारा डिनर हो जाएगा आज। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, ट्रैवल में टाइम गुजरा सारा दिन, आना जाना सड़क पे, गर्मी धूप, घर आके फिर खाना बनाना, तो बिज़ी रही हूँ, थक गई हूँ। आ जाएं आप लोग भी, खाना लगा रही हूँ मैं, खाना खा लें आके जिसने खाना खाना है। इस पुलाव की डिटेल में रेसिपी मैं इंशाल्लाह अलग से डालूँगी अपने चैनल पर, तो आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छा बन जाता है, मज़े का, और जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा बनता है पुलाव। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।